हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज माँ शैलपुत्री की पूजा हुई है, हो रही है आज के दिन। माता के पहले रूप की आज की पूजा होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साथ में थोड़ी दुखी भी हूँ, क्योंकि इस साल मैं नवरात्र का व्रत नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। तो डॉक्टर्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे गुरुजी अलाउ कर रहे हैं, घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जब डिलीवरी हो जाए अगले साल तो फिर अच्छे से करना धूमधाम से। तो मैंने भी फिर माता रानी के आगे संकल्प ले लिया कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा उसके बाद मैं धूमधाम से उनकी पूजा करूँगी अगले साल। तो इसलिए इस साल मैं नहीं कर पाई, बट हाँ अभी मैं उनके नाम से जोत वोत जला के पूजा वूजा करके अभी जस्ट मैं आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए। तो पूजा हो चुकी है और आज हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा गीला गीला हो गया पूरा आंगन, ये देखिए बारिश हो रही है। और अब अभी सुबह के बजे 10:30 और मुझे निकलना है अस्पताल के लिए। अस्पताल मुझे जाना है क्योंकि तीसरे महीने का इंजेक्शन मुझे लग गया था। और ये हाँ आप लोग को बता दूँ, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी प्रेगनेंसी का कितना मंथ चल रहा है, तो ये मेरा चौथा मंथ चल रहा है। तो चौथे मंथ का इंजेक्शन लगना है, आज लगेगा। वैसे 2 तारीख को डेट थी कल, बट नहीं लग पाया कल, गांधी जयंती की रिगार्डिंग ना हो पाया। आज देंगे वो लोग, मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लेने के लिए। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब तक आप लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन हाँ बता दूँ मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ 3 अक्टूबर को, नवरात्र की शुरुआती के दिन में, यानी कि 3 अक्टूबर को 10:30 बजे मैं ये शूट कर रही हूँ। और हो सकता है कल परसों कभी भी आपको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो अभी मैं निकलती हूँ, बारिश हो रही है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं निकल गई हूँ, रिक्शा में बैठी हूँ अस्पताल के लिए। अस्पताल के अंदर से तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल है और वहाँ अलाउ नहीं करते, आप लोग को पता ही है, बहुत दिक्कत रहती है। वैसे ये देखिए रोड का नज़ारा, मैं अस्पताल आ गई हूँ, अस्पताल के बाहर ही हूँ। अंदर तो वीडियो नहीं कर पाऊँगी, मैंने आप लोगों को बताया ये, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते। ये देखिए अस्पताल का रास्ता, ये देख रहे हैं, बस जा रही हूँ, आप लोगों से निकल के मिलती हूँ अस्पताल से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अस्पताल से इंजेक्शन लेके घर आ भी चुकी और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। और देखिए ना, आते आते मैं गीली हो गई, मेरी साड़ी पूरी भीग गई, ये देखिए। तो क्या बताऊँ, मौसम में आज ऐसा ही है, बारिश बारिश बारिश। वैसे बारिश मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ना ज़्यादा पसंद तब होता है जब रात को सोते टाइम आए क्योंकि जब सोते टाइम आती है ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की हवा चले और बारिश आए, तो सोने का मज़ा ही दुगना हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। और क्या बताऊँ, बारिश वैसे अच्छी है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कभी कभी ना बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि रास्ते ख़राब हो जाते हैं और पानी घर में भर जाता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं, उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। बट अच्छा लगता है एक चीज़ कि हाँ बारिश होती है तो धूल मिट्टी की वजह से सब धूल, जितना भी धूल मिट्टी होता है वो सब साफ़ हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है मौसम एकदम। खैर, सब अपनी अपनी जगह पे सही है और होना भी चाहिए। तो मैं चलती हूँ, पहले चेंज कर लेती हूँ, भीगी हुई साड़ी में नहीं रहा जा सकता, जाके चेंज कर लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चेंज कर लिया है और बाल वाल सब गीले हो गए मेरे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फ़िलहाल राइट नाउ मैं अभी किचन में हूँ, मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए चाय चढ़ा दिया मैंने गैस पर, मैं चाय बना रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मैंने चाय छोड़ दिया था, मैं जब से प्रेगनेंसी
मैंने कंसीव किए तब से मैंने चाय छोड़ दिया था, बट आज बारिश में भीग गई और सर में इतना दर्द है क्या बताऊँ। इस वजह से मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय पीऊँ, वो भी बिना दूध वाली, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे बिना दूध वाली ही पसंद है। दूध वाली चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। मौसम एकदम ठंडा किया हुआ है, ठंडे में चाय और पकोड़े मिल जाए तो है हे, फिर दिन बन जाता है। मैं अभी हमारे मेरे यूपी की ससुराल की आलू के पकोड़े मिस कर रही हूँ। मुझे आलू के पकोड़े बहुत पसंद है, वहाँ होती और हस्बैंड से कहते तो वो ज़रूर लेके आते, पर क्या है ना बना के भी खा सकती हूँ, बट मेरे मुझे ना बनाने की एकदम इच्छा ना है, बिल्कुल भी मन नहीं करता बनाने का कुछ भी। वो तो मजबूरी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी अभी हालत ऐसी है कि मुझे, मैं सादा पानी नहीं पी पा रही हूँ, नॉर्मल वाटर मैं नहीं पी पा रही हूँ। नॉर्मल वाटर पीते ही मुझे उल्टी हो जाती है, और ना ही मैं खाना बना के खुद से खा पा रही हूँ। फिर भी मैं खाना बना लेती हूँ मजबूरी में, बट खाना बनाने के बाद खुद खाने खा नहीं सकती मैं। पता नहीं ये कैसे सिम्टम्स है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं क्या प्रेगनेंसी में, मेरे साथ हो रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे होते हैं तो बताइए। देखिए मेरी चाय अभी उबलने को है, ये देखिए ये उबल जाएगी, बस 5 मिनट में चाय मेरी रेडी। तो आप लोग भी आइए साथ मिलके चाय पीते हैं, काली चाय बिना दूध वाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चाय रेडी हो गई है, बिना दूध वाली लाल चाय, यानी काली चाय भी बोल सकते हैं आप। मैंने 2 ब्रेड लिए हैं बटर लगा के, और 2 बिस्किट लिया है टॉस बिस्किट, जो मुझे बहुत पसंद है। और अभी बज रहे हैं 12:30, और आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले अकेले ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, घर के बाकी मेंबर कहाँ हैं। तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी काम पे हैं, पापा भी काम पे हैं, भाई भी था कुछ देर पहले खाना खा के, वो भी काम पे चला गया, तो घर पे मैं फिलहाल अकेली हूँ, तो क्या कर सकती हूँ, ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। और मैंने वहाँ टीवी लगा के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टीवी चल रहा है, मैंने वॉल्यूम जो है म्यूट कर रखा है क्योंकि अभी ऐड चल रहा है और मैं वीडियो भी बना रही थी, तो कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए इसलिए मैंने म्यूट किया था। आप लोग भी आइए चाय पीते हैं साथ। अभी 3 बज गया है, और ये देखिए अभी मेरे घर वाले आए हैं। ये देखिए कौन आया है, लीजा ये तो मैं हूँ। बात कर, ये मैं हूँ। अभी मैं यहाँ पे आने के लिए मैं आई हूँ, पापा अभी तक घर पे है। अभी मैं तीसरा घर जाऊंगी, तीसरा घर जाकर अभी अपना नानी घर आऊंगी, तीसरा घर जाऊंगी या नानी घर आऊंगी। हाँ तीसरा घर जाऊंगी, नानी घर आऊंगी, उसके बाद कपड़ा खोलूंगी, खोल के उसके बाद सोऊंगी। ये देखिए मेरी माँ आता श्री, और वो देखिए मेरा भाई श्री भाता श्री आ गया है, मेरा भाता श्री। वाह, इन लोगों का भरत मिलाव देखिए। अरे अरे अरे, ये देखिए। हाय गाइस, हाय गाइस, मैं मामा के साथ गोदी बाउंड गई। हाय गाइस, लाइट का इतना पोहर है, नींद दिखा देता है, नींद दिखाता है। पीछे पीछे आप दिखा देगा सामने बोल, क्या बोल लिया अभी, ये क्या बोलेगी आप लोग सुनिएगा। मैं बता रही हूँ एक बात, देखो मैं सुंदर से बात बताऊं, सुंदर से बात। हाँ, एक बाबू है मुनिया माँ के पेट में, अभी कल निकलेगा ना, मैं इसे सुला दूंगी, मारूंगी भी नहीं, खुद खुद
बाबू को मैं बाटी खिलाऊंगी अपने हाथ से, और उसके बाद मैं सुला दूंगी, मैं भी सो जाऊंगी। अब बाबू हगने से क्या करोगी? आए गंदी बात गंदी बात हगी तो मुझे मत बोल। तो फ्रेंड्स, शाम होने को आई है, शाम के भी बज रहे हैं 6, और मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ख़राब मौसम हो रहा है, एकदम अंधेरा हो गया चारों तरफ। एक बारिश आने वाली है, बहुत बादल छाए हुए हैं एकदम काले काले बादल से। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, छोटा सा ब्लॉग था। और हाँ, मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, आप लोग कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में डांस नहीं करते, वो मुझे भी पता है, मैं बहुत सॉफ्टली कर रही हूँ। और फिर अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं खुद ही ना करती, पर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं ना करूँ, तो ठीक है मैं नहीं करूँगी। मैं बहुत ही कम करती हूँ अभी, और अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही अपना सजेशन, प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रखिएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ, फिर मिलती एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।